हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS ASO का, ठीक है, IBPS ASO का जो है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और इसमें इस बार की जो वैकेंसीज की बात करें तो इस बार वैकेंसीज कितना आई है, 1599, ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का वैकेंसीज कितना था, 1315, ठीक है। ये लास्ट ईयर का था, मीन्स की कह सकते हैं ये 2017 की बात है, यहाँ पर 2018 की बात हुई है। अब देख लीजिए, आप खुद ही इंक्रीज हुआ है वैकेंसीज में, ठीक है, नो डाउट। और यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए आया था, आरटी ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की बात होगी, तो प्रीलिम्स की बात यहाँ पे अगर करें तो प्रीलिम्स आपका 29 और 30 दिसंबर, ठीक है, 29 और 30 दिसंबर को आपका पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक। प्रीलिम्स का कब पेपर है आपका, 29 और 30 दिसंबर को। अच्छा, मेंस की बात करें तो 27 जनवरी को है आपका मेंस, ठीक। 27 जनवरी को क्या है आपका मेंस, 27 जनवरी 2019 को है मेंस। इंटरव्यू इसके बाद प्रोसेस में, तीन चरण से इसका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 125 मार्क्स के होंगे, मेंस आपका 60 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक। अब आके इसमें चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में। देख लीजिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में क्या लिखा है। देखिए, प्रिलिमिनरी की बात करें, अगर पोस्ट की बात करें तो लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, ठीक है, ये जो दो पोस्ट के लिए हैं यहाँ पे, जो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 125 मार्क्स के होंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। इंग्लिश तो एज वेल जैसे इंग्लिश रहता है वैसा रहेगा, बाकी सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको 40-40 मिनट मिलेंगे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। ये तीन जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन के लिए 40-40 मिनट मिलेंगे। अच्छा, अगर बात करें प्रीलिम्स के, अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें, एचआर या पर्सनल ऑफिसर की बात करें, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें या आरटी ऑफिसर की बात करें, ये जो आपके यहाँ पे चार पोस्ट दिख रहे हैं इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर इंग्लिश में रहेगा, बाकी आपका 40-40 मिनट तीनों जो सेक्शन है उसके लिए मिलेंगे, ठीक है। ये तो रहा आपका आपका क्या कह सकते हैं सिलेबस। अब आइए कि पिछले साल का कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि इस बार का जो है कट ऑफ के आप निर्धारित कर सकते हैं और उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट एक नज़र आएंगे। अच्छा, उसके पहले एक सेकंड और देख लेते हैं यहाँ पे मेंस का। तो मेंस में देख लीजिए, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे, जो कि आप जिस सब्जेक्ट से आपने बीटेक किया है, चाहे फिर एमसीए किया है या फिर आप जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी अपने सब्जेक्ट में जिसमें भी किया है उससे प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश दोनों में होंगे, 45 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें सिर्फ राज्यसभा अधिकारी की बात करें तो इसमें आपका जो होगा 45 क्वेश्चन होगा प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव का, और दो जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। दो जो होगा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का होगा, वो भी प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जिसमें 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपको 30-30 मिनट दोनों के लिए समय मिलेगा। अब आइए लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर के अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉ ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स कट ऑफ 2017 की बात करें तो देखिए टोटल 125 क्वेश्चन में कितना गया था कट ऑफ, 52.63, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश में काफ़ी कम रहता है, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने होते, इसके लिए मैं आपको इंग्लिश के बारे में, तैयारी के बारे में भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का जो कट ऑफ गया था मिनिमम, जो सेक्शन कट ऑफ था 14 और 8.75 गया था जनरल अवेयरनेस या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ के बात करें आरटीआई ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, यहाँ पे जो कट ऑफ कितना गया था 125 में 189.88, ठीक है, 189.88 125 में, और बाकी यहाँ सेक्शन कट ऑफ खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स कट ऑफ 2017 की, अगर यहाँ पे बात करें तो 125 क्वेश्चन, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी का कितना था 28.63, बाकी यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ खुद देख सकते हैं सभी का, ठीक। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर का, मार्केटिंग ऑफिसर में भी 125 कोई टोटल था, जिसमें से 52.50 एससी ओबीसी और एससी का, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी का 52.50 था और एसटी का 38.63 रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ खुद ही देख सकते हैं, जनरल ओबीसी यहाँ पे जनरल का इंग्लिश रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी का, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे राजभाषा अधिकारी का, राजभाषा अधिकारी में भी 125 क्वेश्चन ऐसे था मैक्सिमम पास 125 में, जिसमें कि कट ऑफ करना गया था जनरल कैटेगरी का 26.38, ओबीसी एससी एसटी का भी आपका 26.38, बाकी सिर्फ ओसी कैटेगरी का 15.75 किया था, जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेंस का कट ऑफ क्या गया था। तो मेंस की कट ऑफ की बात करें तो देखिए प्रोफेशनल नॉलेज में 60 कुछ मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी से 16.50, ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जिसमें कि आपका हैंडीकैप भी आता है, उनका 13 कट ऑफ गया था। एग्रीकल्चर की बात करें उसमें फील्ड का, तो एग्रीकल्चर से अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का 13.75 गया था, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 10.75 गया था, ठीक। वही बात करते हैं राजभाषा अधिकारी का, तो 60 में 14 गया था, 14 गया था, और ओबीसी एससी एसटी का 10.75 गया था। लॉ ऑफिसर की बात करें तो 60 में 22.25 गया था, और 18 जो एस सी एस टी ओ बी सी और पी डब्ल्यू डी वाले के लिए था। एच आर पर्सनल का अगर बात करें तो 60 जो था प्रोफेशनल नॉलेज जो कि होता है मेंस पेपर, जिसमें कि आपका 21.25 गया था जनरल कैटेगरी का, 17.50 गया था ओ बी सी एस सी एस टी का। अगर बात करें मार्केटिंग ऑफिसर का तो 60 में कितना गया था, यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि 13.175 जनरल कैटेगरी से, ओ बी सी एस टी का पी डब्ल्यू डी का 28 गया था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पे जो है कट ऑफ अप्लाइड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट हुए कितने कैटेगरी मीन्स कौन कौन मीन्स कि कितने मार्क्स लाने पर उनका जो है इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस जनरल 22, ओबीसी 20, एसटी 13.75, एससी 16.25, एचआई कैटेगरी वाले भी देख लीजिए जो कि पीडब्ल्यूडी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओसी वीआई और आईडी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, एसटी एससी एचआई कैटेगरी, ओसी वीआई और आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि कट ऑफ जो था अप्लाइड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट होके गए जो उनका कट ऑफ रहा इतना लाने पर, मेंस पेपर में इतना लाने पर उनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है इंटरव्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे राजभाषा अधिकारी का भी देख लीजिए, जनरल का कितना गया था 18.25, ओबीसी का भी सेम रहा, एसटी का 13.50, एससी का 17.50, बाकी यहाँ पे देख लीजिए पीडब्ल्यूडी का, यहाँ पे एचआई का नॉट अवेलेबल, बाकी ओसी और वीआई के देख सकते हैं। वही लॉ ऑफिसर की बात करें तो जनरल 31, ओबीसी 28, एसटी 26.25, एससी का 25.75, बाकी यहाँ पे देख लीजिए पीडब्ल्यूडी का मेंशन किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं एचआर पर्सनल का और मार्केटिंग ऑफिसर का भी, यहाँ देख लीजिए जनरल ओबीसी एसटी एससी ओसी वीआई, बाकी यहाँ पे देख लीजिए मार्केटिंग ऑफिसर का भी देख सकते हैं जनरल ओबीसी एसटी एससी एचआई ओसी वीआई आईडी का, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी, जिसमें कि आप लोग को आईबीपीएस एसओ के बारे में बताना था कि यहाँ पे कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, ये लास्ट ईयर का तुलना भी किया गया है और यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ बताया गया, इसलिए पर्टिकुलर जितने भी जो पोस्ट के लिए आए थे पर्टिकुलर सभी का अलग अलग का जो है यहाँ पे कट ऑफ बताया गया, ताकि आप लोगों को उसी के अनुसार आप तैयारी करें और आप इस चीज़ को एस्टिमेट कर पाएंगे आप जब तैयारी कर रहे हो और आपका जब प्रीलिम्स होगा तो आप कितना प्रीलिम्स कितना लाने पर आपका जो है प्री क्लियर होगा, एक आपको क्या करेगा आपको एक आइडिया देगा, एक आपको रास्ता बताएगा कि आप इतना लाने पर इतना से आप अगर ज़्यादा लाते हो तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो ये एक आइडियाज़ है, ठीक है, इस आइडियाज़ को फॉलो करें और इसी के अनुसार प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।